आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर और आज हम एक स्पेशल गेस्ट के साथ आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं और इसका रीजन भी बहुत स्पेशल है क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल में जितने चेंजेस अभी आ रहे हैं उसकी वजह से हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत सारे बुरे असर पड़ रहे हैं। उसमें कई सारी बीमारियां हमारे साथ जुड़ गई हैं जिनका इलाज वक्त पर मिले तो बहुत बेहतर है, वरना वो बहुत खतरनाक भी हो सकती हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं डॉक्टर अमित सूद जो कि कॉस्मिक हेल्थ सिटी मोगा के फाउंडर हैं और लंबा एक्सपीरियंस है उनके पास ओबेसिटी को लेकर, किस तरीके से वेट लॉस सर्जरी करवाई जा सकती है, किस स्टेज पर जाकर करवाई जा सकती है, क्या इसमें आपको बेनिफिट मिलेंगे, किस तरीके से आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, उनके एक्सपीरियंस से हम सीखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बीमारी है क्या, इससे आप किस तरीके से निजात पा सकते हैं क्योंकि अब ये बीमारी घर घर में पहुंच चुकी है। इसी से आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बीमारी आज ये हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। डॉक्टर अमित सूद बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। एंड सबसे पहले मैं आपको और आपकी पूरी टीम को आई एम ग्रेटफुल कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पे इस आपके प्रेस्टिजियस चैनल पे आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, और मेरी कोशिश रहेगी कि अगले 15-20 मिनट में आई डू जस्टिस टू योर टाइम एंड सारे व्यूअर्स जो हमारे ये इंटरव्यू सुनेंगे। डॉक्टर, सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा लाइफस्टाइल है उसकी वजह से हमें डायबिटीज जैसी बीमारी ने हमारे अंदर घर कर लिया है, तो ये रीजन क्या है और किस तरीके से आप इसको ट्रीट करते हैं? बेसिकली अगर हम डायबिटीज की बात करें तो आजकल जैसे हमारा जो लाइफस्टाइल है थोड़ा सेडेंटरी हो गया है। पहले हमारी एक्टिव लाइफ थी, अभी हमारा ऑफिस वर्क है, बच्चों के लिए स्कूल में छोटे प्लेग्राउंड हैं, बाहर तो प्लेग्राउंड ही खत्म हो गए हैं। आजकल बच्चों को आउटिंग लेके जाना है तो मॉल सोचते हैं हम, बिकॉज हमें लगता है मॉल में ही खुली जगह है, बाकी सड़क पे है, आगे एक गाड़ी थी, आज हर घर में चार गाड़ी हैं। सो मोबिलिटी कम होने की वजह से, एक्सरसाइज कम होने की वजह से, फास्ट फूड ज्यादा आने की वजह से जो हमारा ओवरऑल लाइफस्टाइल काफी चेंज हो गया है पिछले 20 सालों से, इन लास्ट टू डेकेड्स। सो अगर हम डायबिटीज की बात करें, अब डायबिटीज भी दो तरह की है, टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज वो होती है जो 8-10 साल से, बचपन से ही शुरू हो जाती है, जिसमें हमारा जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन नहीं बना पाता, सो उसके लिए हमें लाइफ लॉन्ग इंसुलिन थेरेपी लेनी पड़ती है। टाइप 2 डायबिटीज एक ऐसी चीज है जो हमारे कंट्रोल में है कि हम चाहते हैं हमें टाइप 2 डायबिटीज आए या ना आए। ये बेसिकली इसको एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज बोलते हैं जो मिड 20s में या 30s में आती है, और इसका प्राइमरली रीजन ओवरवेट के साथ होता है। सो ये जो टाइप 2 डायबिटीज है, अगर हम इसको ट्रीट करें तो आज की डेट में ये काफी हद तक रिवर्सिबल है ट्रीटमेंट के साथ, और कई एक्सट्रीम केसेस में सर्जिकल ऑप्शन भी लोग चूज करते हैं जब उनको पता लगता है कि रिजल्ट्स आर वेरी प्रॉमिसिंग टू क्योर और टू रिवर्स टाइप 2 डायबिटीज। लेकिन किस स्टेज पर आकर एक पेशेंट को, मान लें कि मेरे घर में किसी को ये प्रॉब्लम है, वो आपको अप्रोच करता है, डॉक्टर के पास जाता है, तो कौन सी वो स्टेज है जब आप सर्जरी का आप डिसीजन लेते हैं कि अब सर्जरी ही इसका इलाज है? बेसिकली देखिए, सर्जरी इलाज हम एक एंड में ही बताते हैं, तो पहले तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम उनका लाइफस्टाइल जानें, उनकी मेडिकल हिस्ट्री लें कि उनको टाइप 2 डायबिटीज कब से है और उनका वेट कितना ज्यादा है। तो देखा गया है नॉर्मली टाइप 2 डायबिटीज और ओवरवेट साथ साथ चलते हैं। सो अगर लेट सपोज किसी का वेट ज्यादा है और टाइप 2 डायबिटीज है, तो उसमें तो ये रहता है कि जो हम एडवाइस करते हैं कि वेट के साथ साथ टाइप 2 डायबिटीज भी ठीक हो जाए। अब कई लोगों में प्योरली टाइप 2 डायबिटीज होती है और वेट ज्यादा नहीं होता, तो उन लोगों के लिए पहले हम उनके पैनक्रियाटिक फंक्शन करते हैं, जो उनके जो पैनक्रियाटिक टेस्ट हैं जो हमें बताते हैं कि पैनक्रियास कितना काम कर रहा है, कि जो भी हमने सर्जरीज करनी है जिनको हम मेटाबॉलिक सर्जरी बोलते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें सिर्फ वेट, तो वेट के लिए होती हैं बैरियट्रिक सर्जरीज जो आपने सुना होगा बहुत देर से चल रही हैं, पर आजकल कम वेट में भी जब लोगों को डायबिटीज है तो हमें कुछ डिफरेंट अप्रोच के साथ उनकी डायबिटीज को ज्यादा ठीक करना है और वेट पे कम फोकस करना है। तो हमारी क्लिनिकल असेसमेंट और जो हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं उससे हम एक रफ आइडिया पे पहुंच जाते हैं कि क्या हम इन लोगों की टाइप 2 डायबिटीज ठीक कर पाएंगे कि नहीं, और जब अगर हमें लगता है कि हम कर सकते हैं और उनके लाइफस्टाइल और मेडिकल मेजर्स फेल हो चुके हैं और उनको रिजल्ट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि देखिए टाइप 2 डायबिटीज का लॉन्ग टर्म में इफेक्ट ये है कि ये आंखों की रोशनी को खराब करती है, हमारी किडनीज के फंक्शन को इफेक्ट करती है, हमारे लिवर को इफेक्ट करती है, हमारे डायबिटीज के साथ
हार्ट के अंदर हमारी जो वेसल्स हैं वो क्लॉग हो जाती हैं, ब्रेन के अंदर वेसल्स क्लॉग हो जाती हैं। तो डायबिटीज एक ऐसी चीज है जो लॉन्ग टर्म में 8-10 सालों में बॉडी के हर ऑर्गन को खराब करती है। सो अगर हम किसी भी तरह से साइंस की मदद लेते हुए इसको अगर हॉल्ट रोक सकें या रिवर्स कर सकें या क्योर कर सकें तो ये अपने आप में एक साइंस का एक चमत्कार। जो आपने तीनों स्टेज बताई है, ये इनमें किस पेशेंट के लिए आप कौन सी स्टेज लेकर इसको रोक पाना या इसको पूरी तरह से क्योर कर पाना या फिर रिवर्स कर देना, मतलब किस तरह से एक पेशेंट आपके पास जाता है तो वो किस स्टेज में होगा, एक कैसे आइडेंटिफाई करते हैं आप? देखिए ऐसा है कि अभी अगर हम बात करें कि जैसे आजकल हम चाहते हैं कि हमारे जो आम लोग हैं उनको ये अवेयरनेस होए कि टाइप 2 डायबिटीज ठीक हो सकती है, बट सबसे पहले तो उनको एक स्पेशलिस्ट के पास आना बहुत जरूरी है कि स्पेशलिस्ट से मिलें, अपनी प्रॉब्लम बताएं, उसके बाद एक असेसमेंट होगी हमारे एंड से कि क्या हम उनको हेल्प कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे, क्या उन्होंने जो मेजर्स लिए हैं वो इफेक्टिव थे कि नहीं थे। अभी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। अब हम सब गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी की हमें पता है कि सर्विस ड्यू है। अब जितना आप टाइम लगाएंगे सर्विस ड्यू होने के बाद उतना ही गाड़ी में डैमेज होता जाएगा। फिर आप जब एक मैकेनिक के पास पहुंचेंगे तो ऐसा ही डायबिटीज का सिस्टम है। जब आपको पता है आपको डायबिटीज हो गई है और इसका क्योर भी पॉसिबल है तो आई थिंक हमें ज्यादा वेट ना करते हुए जल्दी ही स्पेशलिस्ट को मिलना चाहिए ताकि हमें पता लगे कि इन रियलिटी कि हमारा क्या स्टेटस है और कितने चांसेस ऑफ रिवर्सल हैं जिससे हम आगे की लाइफ अच्छी जी पाए। मोगा जैसे सिटी में आपने अपना प्रैक्टिस स्टार्ट की, वहां पे सबसे पहले तो अवेयर होना बहुत जरूरी लोगों का कि वो अवेयर हैं, उसके लिए आप कुछ करते हैं अलग से कुछ कैंपेन या किस तरह से आप लोगों को अवेयर करते हैं कि ये जो डिजीज है ये कितनी हार्मफुल है आपके बाकी ऑर्गन्स के लिए भी? दूसरा ये मैं आपसे ये समझना चाहती हूं कि लोग जानते हैं कि मुझे बीमारी, उसमें डिले करते हैं और डिले करना मीन्स कि आप बाकी ऑर्गन्स को भी डैमेज कर रहे हैं, है ना? तो आप किस तरीके से उनको एक मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? बेसिकली अगर हम बात करें मेरा जो अपना सफर रहा है अभी तक बॉम्बे से मोगा तक का, सो जब मैं अपनी ट्रेनिंग के बाद पंजाब में वापस आया तो मेरे पास एक ऑप्शन थी कि मैं कहीं भी अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकता था। तो मैंने ये एक सोचा कि मोगा जो है पंजाब का सेंटर है। मैं जब शुरू में आया तो मैं पंजाब के हर शहर में ये सर्विसेज देता था पेशेंट्स को, पर धीरे धीरे मैंने देखा कि भाई पेशेंट्स को जो एक होलिस्टिक केयर है जिसमें सिर्फ इट्स नॉट अबाउट जस्ट माय मीटिंग, हमारी न्यूट्रिशनल टीम, हमारी साइकोलॉजी टीम, हमारी स्पोर्ट्स टीम, सो बिकॉज हम लाइफस्टाइल ठीक करना चाहते हैं, ऑपरेशन एक छोटा सा पॉइंट है, वो सारा सोल्यूशन नहीं है। तो वो सारी टीम को बनाने के लिए जो मैंने एक सेंटर चूज किया, एक शहर चूज किया, वो मैंने मोगा चूज किया। तो अभी मैंने हर पंजाब के बड़ी सिटी में मेरी ओपीडी फिक्स हुई है। जैसे मैं आज आपके साथ यहां ये छोटी सी डिस्कशन कर रहा हूं, लोगों को अवेयर कर रहा हूं, तो कल की डेट में मेरी यहां पे चंडीगढ़ में ओपीडी है। तो मेरे चंडीगढ़ के भी बहुत पेशेंट्स हैं जो हमें मिलते हैं और उनको जब पता लगता है कि भाई अभी पेशेंट्स हमें कैसे मिलते हैं कि या तो पेशेंट टू पेशेंट हमारे पास लोग आते हैं जिन्होंने हमसे इलाज करवाया है। बाकी दूसरा जो एक मीडियम होता है वो आपकी आवाज, जो मीडिया है, और आई थिंक धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ती है। तो हमें ये है कि लोगों को अवेयर करवाना है कि भी इस तरह की चीज अवेलेबल है। बाकी अगर हम बात करें लोग पहले ट्रीटमेंट के लिए, तो मुझे भी बहुत लोगों ने यह सवाल पूछा कि डॉक्टर साहब आपने चंडीगढ़ नहीं चूज किया, आपने अमृतसर नहीं चूज किया, आपने लुधियाना नहीं चूज किया। तो अगर हम आज जाते हैं डेस्टिनेशंस पे घूमने के लिए या वेडिंग्स के लिए तो हम बहुत दूर दूर चले जाते हैं, तो लोग आगे ट्रीटमेंट के लिए यहां से हिंदुस्तान से अमेरिका भी जाते थे, तो आज हमारे पास अमेरिका से भी पेशेंट्स मोगा आते हैं। तो जो लोग ये सुन रहे हैं, हमारी ये डिस्कशन सुन रहे हैं, अगर वो मेरे बारे में थोड़ा सा और गूगल करेंगे, सर्च करेंगे, तो उनको पता लगेगा हजारों इंटरव्यूज हमारे पेशेंट्स की भी अवेलेबल हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, क्योंकि मैं सोचता हूं मेरी आवाज से ज्यादा आपके जो सेंटर में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हैं। यस यस। लेकिन एक क्वेश्चन और आता है, जब आप बात यहां तक पहुंच जाते कि अब सर्जरी एक ऑप्शन बचता है, लोग सोचते हैं कि सर्जरी एक बार करवा ली तो उसकी कॉस्ट किस तरह से है, दूसरा ये कि क्या ये परमानेंट सोल्यूशन है या आपको कुछ और एफर्ट्स करने पड़ेंगे या इन फ्यूचर आपको फिर से वो प्रॉब्लम आ सकती है? बेसिकली सर्जरी मेरा स्टार्टिंग प्वाइंट नहीं रहता,
मेरे पास कोई भी मेरे क्लिनिक में या मुझे मिलने आता है, वो मुझे बोलता है डॉक्टर साहब हम पतले कैसे हुए और हम डायबिटीज कैसे ठीक करें, तो मैं यही कहता हूं आप एक स्पोर्ट्स शॉप पे जाइए, एक अच्छे से पेयर ऑफ स्नीकर्स खरीदिए और कल से एक्सरसाइज शुरू करिए और आप डाइट में ये लीजिए ना लीजिए। पर बहुत लोग कई बार ये सब कुछ कर चुके होते हैं और करने के बाद जब वो फेल हो जाते हैं उनको एक सोल्यूशन चाहिए, क्योंकि अगर सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो बॉडी ओबेसिटी और डायबिटीज से खराब होएगी जिसके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा हैं। तो जब इस स्टेज पे हम लोगों को मिलते हैं तब हम उनको बताते हैं कि ये जो अगर सर्जिकल ऑप्शंस हैं तो वो अपने आप में बहुत सेफ हैं, एमसीआई रिकॉग्नाइज्ड हैं, WHO रिकॉग्नाइज्ड हैं, आज की डेट में हर छोटी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी इसको कवर कर रही है। कवर इसलिए कर रही है क्योंकि गवर्नमेंट ने ये देखा कि अगर ये ऑपरेशंस अगर करने पड़ते हैं, अगर ये बीमारी कवर हो जाती है तो लॉन्ग टर्म में अगर किसी का ये ऑपरेशन की अगर आज जरूरत है नहीं किया गया तो कल को वो आंखों के लिए अपना रेटिना की ट्रीटमेंट करवाएगा, गुर्दों के लिए डायलिसिस करवाएगा, हार्ट के लिए स्टेंटिंग करवाएगा, ओवरवेट से ज्वाइंट पेन्स होगी ज्वाइंट रिप्लेस करवाएगा, स्पाइन ठीक करवाएगा, तो उसका जो क्यूमुलेटिव एक्सपेंस है वो इस सर्जरी की कॉस्ट से 10 times ज्यादा है और उसमें जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होगी उसको तो हम बिल्कुल बता ही नहीं सकते कि उसका क्या लिमिट है। तो अगर ये जो सर्जरीज हैं, क्योंकि ये होती लेप्रोस्कोपिकली है जिसमें पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे सिर्फ एक दिन रहता है, और जब हमारे पेशेंट्स हमें फर्स्ट टाइम मिलते हैं जो जिन्होंने हमसे ट्रीटमेंट करवाना होता है वो कहीं ना कहीं हमारे बाकी पेशेंट से मिले होते हैं या उनको कॉन्फिडेंस भी आता है, पता लगता है ये कुछ खास काम ही नहीं है। अब हमारे पास इस ट्रीटमेंट के लिए 10 साल से बच्चों से लेकर 80+ के भी लोग आते हैं, 80 में लोग आते हैं जिनको जीने की अभी इच्छा है, जो चाहते हैं अगर बीमारियां हैं और साइंस हेल्प कर सकती है तो हम क्यों ना करें। सो इसलिए आई थिंक अवेयरनेस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी लोग अपनी बीमारियों को हमारे सामने लेके आएंगे और हम उनको और इफेक्टिवली ट्रीट कर पाएंगे। डॉक्टर अमित सूद, मैं एक जेन्युइन सा सवाल आपसे पूछना चाहती हूं कि आपने बच्चों का जिक्र किया, बच्चों में भी हमने देखा कि पेरेंट्स बहुत ज्यादा उनको फोर्स करते हैं कि नहीं आप आउटडोर गेम्स में इन्वॉल्व हो जाओ, आप डाइट पे ध्यान रखो, वो सब कुछ ट्राई कर चुके होते हैं और इवन जो अडल्ट हैं वो भी ट्राई कर चुके होते हैं पर कोई उनमें रिजल्ट दिखता नहीं है, वो बहुत ज्यादा मायूस भी होते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं, वो ठीक होने के बजाय वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, टेंस्ड हो जाते हैं। उनके लिए कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे कि आप फैमिली भी उस बात को समझे कि कुछ चीजें इनसे बाहर निकल चुकी होती हैं, अब आपके पास एक डॉक्टर का या कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट का ही ऑप्शन रहता है, तो वो अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होना बहुत जरूरी है। अब अगर मैं बात करूं, मेरे पास अगर कोई फैमिली आती है जिसमें बच्चे का ओवरवेट है, अगर हम बात करें चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंट ओबेसिटी की, तो सबसे पहले तो मेरा ये रहता है, मैं पेरेंट्स को पूछता हूं आप लोग एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते हैं। अब पेरेंट्स बोलते हैं डॉक्टर साहब हमें तो जरूरत नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें जरूरत नहीं है, पर हमारे बच्चे को जरूरत है। मैंने कहा अगर आपने नहीं करी एक्सरसाइज तो बच्चा भी उस आदत को नहीं डालेगा। फिर मेरा अगला सवाल होता है कि आप घर में हाई कैलोरीफिक फूड रखते हैं? हाँ डॉक्टर साहब कई बार लाना पड़ता है, गेस्ट आते हैं, मिठाई और ये चीजें रहती हैं, पर हम बच्चों को मना करते हैं वो मत खाएं, फिर भी वो खाते हैं। तो मेरा अगला सवाल होता है आप रखते ही क्यों हैं? अगर पेरेंट्स खुद फिजिकल एक्टिविटी करें और बच्चों में ये आदत डालें अच्छी एक्सरसाइज करने की, अच्छी डाइट की, तो आई थिंक 80% प्रॉब्लम चाइल्डहुड ओबेसिटी की सॉल्व हो जाएगी। हाइपरटेंशन की बात भी कर लेते हैं क्योंकि ये ऐसी कुछ बीमारियां जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। हाइपरटेंशन कितना बड़ा, मतलब कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कितना बड़ा इशू है और किस तरीके से इसको आप क्योर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए हाइपरटेंशन बेसिकली अगर हम बात करें तो ये भी अभी जैसे अब हम पेशेंट्स को मिलते हैं, मुझे याद है कि अब हम जब बचपन में हम देखते थे कि हम जैसे अपने नाना नानी या दादा दादी के घर पे जाते हैं तब पता लगता था कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन तो 50-60 साल के ऊपर की बीमारी है। आज जब हमारे पास जो 15-15-20-20 साल में जो पेशेंट्स आते हैं, इनफैक्ट बच्चों में भी हम डायबिटीज देखते हैं ओवरवेट की वजह से और हाइपरटेंशन देखते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें हमारा जो हार्ट है, हार्ट ने अगर ब्लड पंप करना है, अगर हमारा आइडियल बॉडी वेट 60-70 होना चाहिए, अगर हम 80 की भी बात करें, तो जैसे जैसे वेट बढ़ता रहेगा हार्ट भी एक मशीन है जो अपने आप में बहुत अमेजिंग बनी है। सबसे पहले जब मदर में प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो सोनोलॉजिस्ट फीटल हार्ट बीट बताता है कि कार्डियक एक्टिविटी है, इसीलिए मां को जननी का नाम दिया गया है, और वो हार्ट बीट तब से शुरू होती है
और जब तक हम सर्वाइव करते हैं तब तक वो हार्ट बीट चलती रहती है। तो हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो अगर बना हुआ है एवरेज वेट के लिए, पंप करने के लिए, और अगर हमने अपने लाइफस्टाइल से उसमें बहुत वेट डाल लिया अपनी बॉडी में, तो वो पंप भी थकेगा, उसको भी सपोर्ट की जरूरत है। तो उसको ब्लड प्रेशर की फॉर्म में मेडिसिन जो हम लेते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव या खून पतला करने के लिए ओवरवेट की वजह से, तो सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। अगर हम अपना वेट कंट्रोल करें, एक्सरसाइज करें, डाइट ठीक रखें, तो आई थिंक हमारा हार्ट को एक रेस्ट मिलेगा और हार्ट भी रिकवर करेगा। पर जब लोग नहीं कर पाते, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं ओवरवेट की वजह से, तो उनमें भी ये जो इलाज है, ये जो ट्रीटमेंट है, अगर वेट कम होता है, डायबिटीज ठीक होती है, तो ब्लड प्रेशर भी एक हद तक अपने आप कंट्रोल हो जाता है और उनका हार्ट पहले से भी ज्यादा फिट हो जाता है। लेकिन जो लोग ध्यान रख रहे हैं, अच्छी बात है कि वो ध्यान रख रहे हैं, लेकिन जो इस स्टेज से बाहर निकल चुके, बहुत ज्यादा हो गया, अब सिर्फ डॉक्टर के पास जाना बचा उनके पास, तो अगर वो आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, कॉस्मिक हेल्थ सिटी में आना चाहते हैं, तो किस तरह की फैसिलिटीज हैं और उनके अंदर जो डर होता है बेसिकली इस तरह के ट्रीटमेंट को लेकर, वो कैसे उसे ओवरकम करें? मतलब आप उनको कुछ इन्फॉर्म करना चाहें कि देखिए ये फैसिलिटीज आज इंडिया में है, आपको बाहर जाने की कहीं जरूरत नहीं है कि आप अदर कंट्री में जाएं। आप कुछ लोग हैं जो अफोर्ड भी नहीं कर पाते होंगे, कि आज ऐसा क्या बदल गया हमारे मेडिकल साइंस में इंडिया में? देखिए, अगर मैं बात करूं कि इसमें जिनको ये वेट के साथ और ये मेडिकल इश्यूज हैं, तो पहले तो उनको एक कदम हमारी तरफ बढ़ाना है। दूसरा कदम हम तभी बढ़ा सकते हैं अगर वो हमें अप्रोच करते हैं, हमें मिलते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, तो हम जो है साइंटिफिकली जो साइंस के लिटरेचर्स हैं, जो स्टडीज हैं और जो सक्सेस स्टोरीज हैं, जो हजारों पेशेंट्स हमसे ट्रीटमेंट ले चुके हैं, तो हम पेशेंट्स को जो हमें अपने ट्रीटमेंट के लिए अप्रोच करते हैं उनसे मिलवाते हैं, उनके नंबर शेयर करते हैं। तो मेरे पास अगर मैं लेट सपोज अब अगर कल मैं यहां पे चंडीगढ़ में ओपीडी कर रहा हूं, तो मेरे को अगर जो लोग मिलेंगे तो वो मुझे अगर कुछ पूछते हैं, तो मेरा सबसे उनको एक ही जवाब होता है कि आप बताइए कि मैं आपको चंडीगढ़ के जो पेशेंट्स जिन्होंने ट्रीटमेंट करवाया उनसे मिलना है, क्योंकि और शहर पसंद करना है। सो आई थिंक अगर पेशेंट टू पेशेंट जब आपस में बात कर लेते हैं, उनका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है कि हमारा काम काफी कम हो जाता है। उसे ऐसा नहीं लगता कि भई मैं ये चीज सिर्फ एक अपने एक निजी स्वार्थ के लिए पेशेंट को बताना चाहता हूं। ठीक है, हम हैं, ट्रीटमेंट है, पर चूज तो पेशेंट को करना है। रही बात कॉस्ट की, तो इसके बहुत कॉस्ट में बहुत चीजें हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत महंगी है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर हम 5-6 बीमारियों को पालना अफोर्ड कर सकते हैं जिनको हमने 20 साल आगे लेके जाना है, तो ये इलाज की तो कॉस्ट वैसे ही कुछ नहीं है। और वैसे भी आपने बताया कि मेडिकल में इट कवर्स। लेकिन आखिर में एक सवाल किया, बहुत सारी बातें हमने की इस बीच में, दो मेजर जो हमारी डिजीज थी उन पर हम डिस्कशन कर चुके हैं, इसके अलावा और जो चीजें होती है उन पर ब्रीफ में, ताकि हम नेक्स्ट टाइम जब बैठेंगे बातचीत करेंगे तो उन पर हम डिस्कशन करेंगे। फिलहाल दो ये मेजर प्रॉब्लम्स थी, इसके अलावा क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर वक्त रहते हम अपने मोटापे को कंट्रोल नहीं करते हैं? देखिए, इसके अलावा जो है ओवरवेट के साथ जॉइंट पेन्स की प्रॉब्लम हो जाती है। कि अगर हम बात करें एक बॉडी की, बॉडी भी मशीन है, अगर हम 5 केवी के जनरेटर पे 10 केवी का लोड डालेंगे तो जनरेटर भी खराब हो जाएगा। अगर हमारा 70 केजी वेट होना चाहिए, हम 120 केजी डाल देंगे, तो हमारे जॉइंट्स जो हैं जल्दी वियर एंड टियर हो जाएंगे, क्योंकि जो हमारी बोन्स हैं वो कैल्शियम की बनी है। अगर हम बात करें लोहे के बॉल बेयरिंग्स घिस जाते हैं, तो ये तो फिर भी कैल्शियम के एंड्स हैं जो अपने आप में रब करते करते खराब हो जाते हैं। तो ओवरवेट से अर्ली जॉइंट पेन्स और अर्ली नी रिप्लेसमेंट्स देखे गए हैं। अगर हम वेट कम करते हैं तो हमारे जॉइंट पेन्स और नी रिप्लेसमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओवरवेट के साथ हमारी जो स्पाइन है वो खराब हो जाती है, हमारी जो डिस्क है वो प्रोलैप्स हो जाती है, लोगों को रेफर्ड पेन, शैटिक पेन भी शुरू हो जाती है ओवरवेट की वजह से, क्योंकि स्पाइन बनी नहीं इतने वेट के लिए। ये वेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा फीमेल्स के अंदर, यंग अनमैरिड फीमेल्स के अंदर और जिनकी शादी हुई होती है, उनको पीसीओडी और इनफर्टिलिटी हो जाती है, बहुत कॉमन हो गया। यस, सो वो जिस भी डॉक्टर के पास जाते हैं, सो अभी मेरे पास अभी आई थिंक परसों ही एक अमेरिका से एक पेशेंट ने आके, जो वहां के सिटीजन है, सिर्फ इस चीज के लिए अपना इलाज करवाया, क्योंकि उनको हमारे कुछ सक्सेसफुल पेशेंट्स के बारे में पता लगा जिन्होंने बात करी कि इनफर्टिलिटी अगर वेट के साथ जुड़ी है तो ये भी ठीक हो जाती है अगर हम वेट को ठीक करें। हालांकि उसमें कुछ टेक्निकल मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती हैं कि किस तरह का हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं,
इसके अलावा अगर हम बात करें स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, जिन लोगों का वेट ज्यादा है उनको बहुत खराटे आते हैं रात को, तो ये जो नॉर्मल पेशेंट्स में स्नोरिंग है और ओवरवेट पेशेंट्स में स्नोरिंग में बहुत फर्क है, क्योंकि वो स्नोरिंग जो है ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल्स को कम करती है, रात की नींद पूरी नहीं होती और ये लोग आधी आधी रात को बैठ के अपना टाइम पास करते हैं, नींद नहीं ले पाती। एक मोटापा अनेक बीमारियों की वाली बात है और इससे बहुत सारी बड़ी बीमारियां, डिप्रेशन, एक सेल्फ एस्टीम कम होना। अभी हाल ही में आई थिंक 3 दिन पहले एक 24 साल के बच्चे को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जिसका जो वेट है 235 kg था। वो 20 साल की एज में मेरे पास आया और उसका तब वेट था 180 kg और उसको तब भी मैंने कहा कि इस ट्रीटमेंट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। पूरी फैमिली चाहती थी कि वो ट्रीटमेंट करवा ले बट ही वॉज स्केयर्ड, एज ऐसी। तो इन 4 सालों में वो मेरे इतने पेशेंट से मिला जिन्होंने सक्सेसफुल ट्रीटमेंट करवाया है कि वो मोटिवेट हुआ। हालांकि उसने लॉ ज्वाइन किया पर वो एग्जाम्स नहीं देने जा पाया। उसने खुद हमें हॉस्पिटल में ये एक शेयर किया बहुत पेशेंट्स के साथ, क्योंकि वहां पे जब उसका एग्जाम था तो उसके बैठने के लिए वैसा बेंच ही नहीं था। बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस वजह से आपको फेस करनी पड़ती है। अब उसका ब्रदर ऑस्ट्रेलिया में है, उसको फ्लाइट की बिजनेस की भी टिकट नहीं मिल रही है। डॉक्टर अमित सूद, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा आज का, लेकिन अगले बार जब हम बैठेंगे तो तमाम इन चीजों पर भी बातचीत करें, क्योंकि ये आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई बातें हैं। आप इनको सिर्फ इग्नोर करके काम नहीं चला सकते। एक राइट टाइम पे जाकर, राइट डॉक्टर के पास जाकर आप कंसल्ट करें और फिर जो डॉक्टर कंसल्ट करें उसके मुताबिक आप सर्जरी करवाएं या दूसरा ट्रीटमेंट भी इसके लिए अवेलेबल है। तो डॉक्टर अमित सूद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत अच्छे से इन्फॉर्म किया, लोगों को जागरूक किया किस तरीके से आप मोटापे से बच सकते, जो दूसरी बीमारियां इसके साथ हैं उनसे भी आप वक्त पर ट्रीटमेंट करवाकर निजात पा सकते हैं। थैंक यू।